मेवात में कौमी एकता के लिए सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के बड़े बड़े लोग आए और कौमी एकता के लिए सभी ने एकजुटता दिखाई है। सम्मेलन की अध्यक्षता अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष और चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलायसी ने की और कहा कि मेवात दुनिया में आपसी भाईचारा और गोपालन के लिए जाना जाता है, लेकिन मेवात के गोपालकों को मॉब लिंचिंग के नाम पर आए दिन हत्या की जा रही है और मेवात के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है। इसलिए मेवात के लोगों को दीनी और दुनियावी तालीम की जरूरत है। वहीं जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य विवेक मुनि जी महाराज ने कहा कि सर्वधर्म संसद देश में अमन शांति भाईचारा और सद्भाव के लिए काम कर रहा है। आज देश को अमन शांति की जरूरत है, जिसके लिए हमको एक दूसरे का आदर करना चाहिए। हम लोग गौ सेवक हैं और आज भी हैं, मुख्य व्यवसाय भी यहाँ वो है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है खाली इस्लाम को मानने वाले इसलिए उनको विरोधी कहा जाए, उनको जो है गौ हत्या के लिए ये कहा जाए, ये पाप है। ये किसी के तोहमत लगाना ये ठीक नहीं है। आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए, हम पहली बार आए हैं, ये आपको यकीन दिलाते हैं। हम किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं हैं, किसी राजनीतिक मंशा से आपके बीच में नहीं आए हैं। हम उस बात को याद करने के लिए आए हैं जब देश का विभाजन हुआ था, मेवात के लोग देश छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते थे, मगर यहाँ के जो लोग थे उन्होंने आपकी कुर्बानी और आपके इतिहास को देखकर ये कहा था कि आप लोगों को पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भारतीय हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रहनुमा हैं, हम आपको यहाँ इज्जत और मान बख्शेंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो बात नहीं हुई। उसमें जितनी सरकारें दोषी हैं, जितने बाहर के लोग दोषी हैं, उतना ही मैं मानता हूं कि मेवात में रहने वाले लोग भी अपना भोजन किया, अपना सो गए और उसके आगे उन्होंने अपने जीवन के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने स्थान के लिए, अपने नगर के लिए नहीं करी है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप खड़े हुए, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, इस राज्य की सरकार हो या इस देश की सरकार हो, हम सबके साथ आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, आपका मुद्दा इंसानियत का मुद्दा है और हमारी भारतीय सर्वधर्म संसद इंसानियत के लिए हैं, जो कि इनको पकड़ते हैं और बेवजह उनको कत्ल कर देते हैं, इसकी आवाज़ उठाने के लिए भारतीय सर्वधर्म संसद यहाँ आया है। उनको कहा है कि इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब पहले इंसान हैं, उसके बाद हम सब भारतीय हैं। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, इसी पैगाम को लिए यहाँ आए हैं। इनका ये पैगाम भी है कि यहाँ पर जो पिछड़ गया है, नीति आयोग ने अभी कहा है कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका मेवात है, अब नीति आयोग ने कहा भी है, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हर गाँव के अंदर भारतीय सर्वधर्म संसद की सबसे पहली डिमांड है कि हर गाँव के अंदर 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।